आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए एक शॉल डिज़ाइन लेके आई हूँ, ट्रायंगल शॉल यानी तिरछी जो शॉल होती है, तिकोना शॉल जिसे कहेंगे, वो लेके आई हूँ। तो उसके लिए हमें क्रोसिया देखिए कितना चाहिए, 5 mm क्रोसिया, यानी अगर आप इस तरह से देखेंगे तो 8 नंबर क्रोसिया है। और यहाँ पर धागा हम लेंगे यानी ऊन लेंगे हम, 4 ply लेंगे, जो भी आप जिस ऊन से बना रही हैं, तो लेकिन क्रोसिया थोड़ा सा मोटा लें आप। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले किस तरह से बनाना होगा और कितनी ऊन लग जाएगी इसमें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ऊन आपको लगभग 400 से 500 ग्राम की ऊन लग जाएगी, और कितनी रो बनानी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए आप, और वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें आप, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ज़रूर। तो यहाँ पर पहले हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। सबसे फर्स्ट नंबर चेन पे डालेंगे और हम इसे सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे हम जोड़ लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। 4 चेन हमने लिए। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हमें, तो देखिए क्रोशिया पे 2 बार धागा लपेटेंगे, 1 और ये 2। और ये जो हमने गैप बनाई है इस तरह की, इसमें हम डालेंगे ऐसे, और 2-2 बार करके फंदे निकालेंगे हम। धागे को हल्का सा लंबा खींचेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं बुनना है हमें। 2 फंदे निकाले, फिर 2 और फिर 2। तो ये चेन को भी हम काउंट करेंगे, और एक ये यानी टोटल हमें 7 बनाना है ट्रिपल क्रोशे, यानी 2 हो गए। थ्री इसी तरह से करते हुए हम 7 करेंगे, इसे भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए कर लेते, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, इधर पलट जाएंगे, और जितनी भी चेन है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ये पहली डबल क्रोशिया हमारी चेन है, सेकंड चेन में डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, 4 5 डबल क्रोशिया, ये 6 डबल क्रोशिया, और एक चेन में बनाएंगे हम, और यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गया। अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम 4 चेन लेंगे और डबल क्रोशिया के लिए 3 चेन लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, 1 2 3 और ये 4, इधर पलट जाएंगे हम। और इसी चेन में हम 7 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, इसे भी काउंट करते हुए हम करेंगे, तो ये 7 हो गया। तो पहला डबल ट्रिपल क्रोशिया हमारा ये है। अब यहाँ पे फर्स्ट चेन में हम 6 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2, इसी तरह से करते हुए 7 कर लेते हैं पहले, 3, सेम चेन में 7 ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए हमने ये 7 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 4 5 6, और हमने जो पहले 4 चेन बनाया था 7। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 7 डबल क्रोशिया बना हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4th नंबर चेन पे हम डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4, जो इसके सबसे बीच में आएगा यानी 4th नंबर चेन पे डालते हुए हम डबल क्रोशिया करेंगे। क्रोशिया पे 2 बार धागा लेंगे, और सबसे लास्ट वाले चेन पे हम डालते हुए फिर से हम 7 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। सबसे लास्ट चेन पे डालेंगे जाएंगे हम, और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, वन टू, इसी तरह से करते हुए 7 बार हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे मुड़ना है हमें, तो यहाँ से भी 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब जितने भी यहाँ से यहाँ तक चेन दिख रहे हैं सभी में हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे, हर चेन पे डालते हुए हम डबल क्रोशिया कर लेंगे,
पूरी रो जहाँ भी है, जितने भी हमारे यानी 7, 7, 14 और 1, 15 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो देखिए ये सेकंड डबल क्रोशिया का राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से फोर चेन लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, इधर पलट जाएंगे। अब देखिए डिज़ाइन कहाँ कहाँ बनेगी। पहले राउंड में तो हमने एक डिज़ाइन बनाया, फिर दो डिज़ाइन, अब यहाँ पे तीन डिज़ाइन बनेगी। तो देखिए कैसे, सबसे पहले वाले चेन पे यहाँ डिज़ाइन बनेगी, यहाँ फोर चेन ले लिया हमने। अब यहाँ पे दो बार धागा लपेटते हुए हम 7 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, यानी टोटल 7 होने चाहिए चेन को भी काउंट करते हुए। इसी तरह से करते हुए हम 7 कर लेते हैं इस चेन में, फर्स्ट चेन में। तो देखिए हमने सबसे फर्स्ट चेन में 7 ट्रिपल क्रोशिया हमने काउंट बना लिया है। अब देखिए क्रोशिया पे धागा लेंगे, और जो हमने ये 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, 7 डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ से जो फोर नंबर है, फोर नंबर डबल क्रोशिया, देखिए 1, 2, 3, 4 जो फोर है वहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे वहाँ हमारी एक डिज़ाइन बनेगी। इसलिए इस 7 के ऊपर एक चौथे नंबर चेन पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर से देखिए क्रोशिया पे इस तरह से धागा लेंगे। अब जब देखिए हमारी यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जा रहे हैं, तो एक डिज़ाइन अब हमारी यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया का एक डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, यानी कि एक सेल डिज़ाइन यहाँ पे बनेगी। देखिए यह हमने बनाया, यहाँ हम 7 बनाएंगे, तो चलिए 7 बना लेते हैं। फिर ध्यान रखिए जहाँ पे हमने ये एक डबल क्रोशिया करते आ रहे हैं वहाँ पे डिज़ाइन बनेगी हर बार। तो देखिए हमने यहाँ भी 7 ट्रिपल क्रोशिया कर लिए, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब यहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ हमने सेल बनाया वहाँ से नहीं, ये जो हमने 7 डबल क्रोशिया यहाँ बनाया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो यहाँ से फोर्थ नंबर चेन पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3, 4 जो इसके बीच का पॉइंट होगा वहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया डालते हुए सबसे पहले एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। फिर क्रोशिया पे दो बार धागा लेंगे, और सबसे लास्ट वाले चेन पे हम डालते हुए हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया सेम इसी तरह से हम यहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डालेंगे और 7 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं बुनेंगे हम इसे, हल्का सा लूज बुनेंगे। इस तरह से लेते हुए हम 7 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट राउंड में सभी में हम एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे हर एक चेन में। इसी तरह से करते ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखिए ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे 7 ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए ये राउंड भी हमारी पहले 1 सेल बनी, फिर 2, फिर 3 इसी तरह से बनती हुई जाएगी। तो देखिए फिर से अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3 नेक्स्ट राउंड के लिए। अब जितने भी चेन हैं सभी में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से करते हुए पूरी रो हम डबल क्रोशिया की कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में फिर से हम सेल डिज़ाइन करेंगे, यानी ट्रिपल क्रोशिया। देखिए डबल क्रोशिया की हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली। यहाँ से फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4 जब हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं तो हम 4 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो 3 चेन लेंगे। अब देखिए डिज़ाइन कहाँ कहाँ बनेगी। यहाँ पे आपकी एक डिज़ाइन बनेगी, फिर 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर चेन पे हम डालते हुए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए ये जो हमारी एक डबल क्रोशिया जा रही है, एक डिज़ाइन यहाँ बनेगी। एक डिज़ाइन यहाँ बनाने के बाद फिर यहाँ से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर पे चेन पे हम यहाँ पे एक फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर देखिए ये डबल क्रोशिया हमारी जा रही है यहाँ पे, यहाँ एक सेल बनेगी। फिर जो हमने ये 7 डबल क्रोशिया किया हुआ है इस डिज़ाइन का, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे एक से डबल क्रोशिया बनाएंगे, और सबसे लास्ट में एक हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, ये देखिए देख सकते हैं 1 डिज़ाइन बनी, फिर 2, फिर 3 फिर देखिए 1, 2, 3, 4 4 डिज़ाइन बनी। इसी तरह से करते हुए हमें 20 रो कंप्लीट करना है। तो आप जिस तरह से ऊन मोटी पतली पतली लगाएंगे आप अगर ऊन, तो कम लगेगी। अगर आप मोटी ऊन लेते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा लगेगी। और देखिए कहाँ पे इसे लटकन लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ।
तो देखिए ये जो हम लटकन के लिए धागा बनाएंगे तो उसके लिए हम कितना लेंगे, 10 इंच की लंबाई पे हम रखेंगे। अब इसे छोटी भी रख सकती हैं, तो मैं यहाँ लूँगी और इसे डबल करूँगी इस तरह से। एक बार किया, दो बार, यानी तीन बार हो गया, और ये चार बार। आप जितना घना रख सकती हैं, तो मैंने इसे चार बार किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अब धागा कट करेंगे। तो देखिए इसे किस तरह से लगाना है, तो मैंने इसे देखिए इस तरह से कट कर लिया है। दोनों साइड से खुला होना चाहिए धागे को। अब इस तरह से हम पकड़ेंगे इसे, देखिए सबसे यहाँ पे छोर जो हमने बनाया हुआ था सबसे अंत में, यहाँ पे लेंगे हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे। दोनों धागों को इस तरह से पकड़ेंगे बराबर करते हुए। ये धागा को हम इधर से खींचेंगे, नीचे की ओर से पकड़ेंगे, तो देखिए इस तरह से पकड़े और इस ऐसे करेंगे इसे, क्योंकि खींचने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब इसके अंदर इस तरह से गैप बनाते हुए ये धागे को हम ऐसे निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हम लटकन लगाएंगे, फिर एक हम लगाएंगे यहाँ पे, देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ है ये सेल बनाना, वहाँ हम डालेंगे ऐसे डालेंगे इसे, बराबर करेंगे पहले, फिर धागे को खींचेंगे हम क्रोशिया की मदद से। धागा बराबर कर लेना है, फिर इसे इस तरह से करते हुए देखिए दोनों धागे इसके अंदर से निकाल देंगे इस तरह से। देखिए फिर हम यहाँ लगाएंगे, किधर बता देती हूँ, एक इधर लगाना है आपको जहाँ हमने ये सेल बनाया हुआ है। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो दोनों धागे को बराबर करेंगे पहले हम, और इसी तरह से करते हुए आपको 20 रो कंप्लीट करना है। ये हमने लिया, इस तरह से करेंगे और ये सारे धागे को इसके अंदर से निकाल देंगे। इसी तरह से करते हुए हर एक गैप में आप इस तरह से एक लटकन बना ले, यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर जहाँ जहाँ सेल बनी हुई वहाँ वहाँ लगाएंगे। आप इस लटकन को बड़ा भी बना सकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा ये, या तो फिर कोई अलग सा चेन बनाते हुए इसमें आप जो हम पफ डिज़ाइन बनाते हैं वो भी बना सकते हैं इसमें, तो बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा ये। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक घंटी आएगी उसे भी दबा लें, और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।